फेसबुक पे सबकी अकाउंट में एक ऐसी लड़की रहती है, एक ऐसी लड़की, ठीक है, जो एक घटिया सा फोटो डालेगी और उस पर कैप्शन लिखेगी रैंडम्स। मैं आपको बता दूं, रैंडम का मतलब होता है कि कई सारे पिक्चर्स में से कोई भी पिक्चर उठा के, ठीक है, बिना देखे उठा के उसे फेसबुक पर डाल देना, उसे रैंडम कहते हैं। ये इसका बिल्कुल उल्टा करती है, ठीक है, ये 5000 सेल्फीज खींचेंगी, 5000, जिसमें से 4000 सेल्फीज छाट देती है। 4000 सेल्फीज छाटने का जो प्रोसेस होता है ना, कुछ ऐसा होता है, इस फोटो में गंदी लग रही, इस फोटो में अच्छी नहीं लग रही, इस फोटो में काली लग रही, इस फोटो में कुतिया लग रही, बचते हैं 1000 फोटोज। ये 1000 फोटोज सारे व्हाट्सएप पे दोस्तों को भेजे जाते हैं, जिनका दिमाग चाट चाट के ये पूछा जाता है कि ये फोटो कैसा लग रहा है, ये फोटो में ज्यादा बाहर तो नहीं, ये फोटो में ज्यादा दबेला तो नहीं। अब ये पब्लिक ओपिनियन से 15 स्पेशल फोटोज बाहर आते हैं जो पब्लिक ओपिनियन पे बेस्ड होते ही नहीं है। ये वही 15 फोटोज होते हैं जो उसको खुद पसंद आए थे। पब्लिक ओपिनियन जाए गधे की गां। अब जो ये 15 फोटोज बचते हैं ना, बाय गॉड की कसम, दुनिया में इतने बच्चे जुड़वा नहीं होंगे जितने ये 15 के 15 फोटोज जुड़वा होते। इन फोटोज में कुछ डिफरेंस नहीं होता, इनके साइज के एमपी केबी भी सेम रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस, पहले फोटो में मक्खी इधर होगी, 15वें फोटो में मक्खी इधर होगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब बचे स्पेशल 15 फोटोज, लास्ट स्पेशल फिल्ट्रेशन प्रोसेस जाते हैं। इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस का नाम है बॉयफ्रेंड। उस गरीब इंसान को ये फोटोज भेजे जाते हैं और उसे पूछा जाता है कि 15 में से कौन सा एक फोटो है जो मैं फेसबुक पे अपलोड करूं। उस गरीब इंसान को सर से लेकर लंग तक माइग्रेन हो जाता है, उसको पता नहीं चलता है कि कौन सा फोटो अच्छा है। इस लास्ट प्रोसेस में उस गरीब बॉयफ्रेंड की मौत हो जाती है और वो 15 में से एक फोटो सिलेक्ट होकर बाहर आता है जो इसे हमेशा से डालना था, और वो फेसबुक पे अपलोड करके लिखती है रैंडम्स।